नमस्कार, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत में अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, ये दो बैंक लीड करते हैं। सरकारी बैंकों में ये सबसे आगे हैं। और अब कर्नाटक से इन बैंकों पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। ये घोटाले का जो आरोप है ये कोई और नहीं लगा रहा है बल्कि कर्नाटक की सरकार लगा रही है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि कर्नाटक में दो बोर्ड हैं, एक कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक दूसरा है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड। इन दो बोर्डों में कुछ पैसा था, जैसा कि कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास करीब 10 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा था, तो इन्होंने उस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कर दी। ये एफडी करी इन्होंने 2013 में। ऐसे ही कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वहाँ पर कुछ पैसा था तो उन्होंने 25 करोड़ रुपए की एफडी कर दी बैंक में। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये जो एफडी होना था, ये एफडी तो हो गई बैंकों के साथ, लेकिन इसका मिसयूज़ कर दिया गया। और जब ये मिसयूज़ कर दिया गया तो उसके बाद कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि अब वो अपना कोई भी अकाउंट इन दोनों बैंकों के साथ नहीं रखेंगे, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो। आपको बता दें कि जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके अपने बैंक में अकाउंट होते हैं जिसमें उनके पैसे आते हैं। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्नाटका बैंक ने अपने अकाउंट खोल रखे थे, कर्नाटका सरकार ने खोल रखे थे, कर्नाटका के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी उन्होंने खोल रखे थे। इसी तरह की जो भी बॉडीज़ हैं, PSUs हैं, इन सभी ने अपने अकाउंट इन दोनों बैंकों के साथ खोल रखे थे और भी बैंकों के साथ खोल रखे हैं, लेकिन प्राथमिकता इन दोनों बैंकों को दी गई। अब दोस्तों, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये पैसे एफडी कर दी, अब जैसे कि कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए 2013 में SBI में एफडी कर दी, और कर्नाटका सरकार का आरोप है कि SBI ने इन पैसों का यूज़ कर लिया किसी प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए, उसका लोन पूरा करने के लिए। मतलब ये समझ लियो कोई लॉस वगैरह में होगी, वो उसने लोन लिया होगा तो लोन पे नहीं गई कर पा रही होगी कंपनी, तो उसने ये फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाकर बैंक ने इसको केस को रफा दफा कर दिया, उस कंपनी का लोन को माफ़ कर दिया। ये कर्नाटका सरकार का आरोप है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की एफडी करी गई थी। अब ये जो 25 करोड़ रुपए की एफडी हुई थी, इसमें से इनको जब एफडी मैच्योर होने पे जो पैसा मिलना था वो 25 करोड़ से तो ज़्यादा ही मिलना था, क्योंकि 25 करोड़ प्लस उसका इंटरेस्ट, लेकिन जो पैसा रिकवर हुआ वो 13 करोड़ रुपए हुआ, 12 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये दोस्तों, जब इस तरह की चीज़ सामने आई कर्नाटका सरकार के, तो कर्नाटका सरकार ने पहले इन बैंकों के ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी हैं उनसे बात करना शुरू करी। बात करने में कोई नतीजा जब नहीं निकला तो इन्होंने इनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यानी कि जो इनका मंत्रालय है फाइनेंस का, उसने ये निर्णय लिया कि अब हमको पहले तो इस जो दो बैंक हैं यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं रखना है, और जो भी हमारे पास एफडी और इन्वेस्टमेंट या कोई दूसरी चीज़ें हैं उसको हम किसी दूसरे बैंक में ओपन करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक ऑर्डर जारी किया और कर्नाटका के जो CM हैं सिद्धरमैया, इन्होंने उस ऑर्डर पर साइन कर दिया। और उस ऑर्डर में ये लिखा है कि कर्नाटका सरकार और उसके जितने भी ऐसे साथी हैं, ग्रुप हैं, ये सभी अपना अकाउंट इन दोनों जगह से बंद करके अपना किसी दूसरी जगह अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और उसकी डेट है 20 सितंबर 2024। इस डेडलाइन के अंतर्गत इन दोनों बैंकों से अपने अकाउंट को क्लोज करके दूसरी नई जगह अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। ये तो रही बात सिद्धरमैया की। दोस्तों, अब सरकार ने अपनी बात तो रख दी बैंकों के सामने, बैंकों ने अपनी बात उनकी बात भी नहीं मानी, तो फिर सरकार ने मूव किया कोर्ट की तरफ। अब कोर्ट में जब केस चला गया तो अब सभी लोग पहुँचे कर्नाटका गवर्नमेंट से भी पूछने के लिए और बैंकों से भी पूछने के लिए, तो किसी ने भी खुलकर कुछ बताने की कोशिश नहीं करी। बैंकों का तो साफ कहना है कि मामला अब सब जुडिश है, मतलब कि अब वो न्यायपालिका के पास है,
तो जब कोई भी चीज़ कोर्ट के पास होती है फिर उसमें बोला नहीं जाता है, जो भी साक्ष्य पेश करने होते हैं या कोई भी बात को रखनी होती है वो कोर्ट में रखी जाती है। तो अब वो कोर्ट में ही रखेंगे, अभी उनका ये कहना है कि लेकिन हमारी कर्नाटका सरकार के साथ बातचीत चल रही है और उनको ये उम्मीद है कि बातचीत सफल हो जाएगी और ये केस ख़त्म हो जाएगा और जो भी पैसे रुपए हैं उसको समझ लिया जाएगा आपस में बैठ करके बातचीत के द्वारा। ऐसा दोनों ही बैंकों का मानना है, दोनों बैंक के अधिकारियों का मानना ऐसा ही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो दोनों बैंक हैं ये बहुत बड़े बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, इसमें करोड़ों लोगों का बहुत भरोसा है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोगों का विश्वास टूटता है, विश्वास जब डगमगाता है तो लोग अपने अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, वो दूसरी बैंकों में जाना शुरू कर देंगे या अपने घरों में ही पैसे को रखेंगे, किसी भी बैंक में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका उनको अंदर से डर लगेगा कि ऐसा तो ना हो कि अभी स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो कल को किसी दूसरी और बैंक में होता है तो उनके पैसे में दिक्कत आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। तो बैंकों को भी समझना चाहिए कि कोई चीज़ अगर है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए, जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें इतना ही, आगे कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।